आज केपीसीसी के डायरेक्शन पर पूरे कर्नाटका में प्रजाध्वनि नाम से जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, इस जलसे में आए हुए आपके और हमारे हर्दिल अजीज लीडर श्री सिद्धरामैया जी, साबिक वजीर आला और नब्बे तलाक लीडर कर्नाटका विधानसभा, श्री विश्व खंडे जी केपीसीसी कारगुजर सदर, श्री एम बी पाटिल साहब कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन, श्री प्रियंक खड़गे साहब साबिक वजीर रुकन असेंबली सीतापुर, एम वाई पाटिल साहब एमएलए अफजलपुर, रहीम खान साहब एमएलए बिदर, डॉक्टर शंकर पाटिल साहब साबिक वजीर, श्री चंद्रप्पा दक्षिणपुर साहब रुकन असेंबली शाहपुर, श्री जगन्नाथ गुप्तेदार साहब विलय सदर, हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो
जो यात्रा 12 अलग अलग रियासतों से गुजरती हुई अलग अलग किस्म के लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी परेशानी सुनते हुए बीजेपी से सताए हुए लोगों से मिलते हुए गरीब से कारोबारी से छोटे बड़े आदमी से मुलाकात करते हुए हमारे लीडर जब आगे बढ़ रहे थे इन्होंने धूप में बारिश में सर्दी में गिरती हुई बर्फ में जब इन्होंने अपनी बात कहते हुए कहा कि जब मैं 14 साल का था मुझे टेलीफोन आया कि मेरे दादी का कत्ल हुआ है और फिर एक और टेलीफोन आया कि मेरे वालिद का कत्ल हुआ है। ये वाकया दिल को झिंझोड़ कर रखने वाली बात थी और आज हमें फख्र है ऐसे लीडर पर जिन्होंने 3,970 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करते हुए हमारे परचम को कश्मीर में लहराया। ये परचम लहराने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क को फिर से फिरका परस्त आतंकों से आजाद करना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में महंगाई का बोलबाला है। गैस 1100 रुपए पर कर गई है और पेट्रोल 100। अनाज महंगा होता जा रहा है। बीजेपी हुकूमत सिर्फ झूठ और नफरत फैलाने में मसरूफ है। हमें इस मुल्क को महंगाई से आजाद करना है, किसान को इसका हक दिलाना है और गरीब को खुशहाल देखना है तो फिर से हमें कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत लाना होगा। आज हमारे बीच सांग्रेस वजीरा सिद्धरमैया जी बैठे हैं। इन्होंने अपनी हुकूमत में 18 भाग्य स्कीमों को लागू किया था जिनमें अनाज भाग्य स्कीम जो अनाज मुफ्त दिया जाता था वो स्कीम भी इस बीजेपी हुकूमत ने बंद करा दी है। और वैसे साबिक वजीर आला है जिन्होंने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 3,000 करोड़ का बजट पेश किया था। वो फला और बहबूद डिपार्टमेंट से जितने भी स्कीम थे वो फिर से लागू होंगे बीजेपी हुकूमत ने बंद किए हैं। मुझे उम्मीद है वो फिर से कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद लागू होंगे। और आज सरजमीन बंदानवाद और बसवेश्वर की जमीन पर जो जलसा हो रहा है मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि मस्जिदों में अजान की आवाज और मंदिरों से आरती की आवाज फिर से सुनाई देगी। जो बच्चा हिजाब में स्कूल और कॉलेज को जा रही थी फिर से बेवकूफ होकर हिजाब में स्कूल और कॉलेज जा सकेंगी। और जो नफरतों का बीज बीजेपी ने बोया है वो आप लोगों के प्यार से आशीर्वाद से मोहब्बत से आने वाले दिनों में मोहब्बत की आंधी से आरएसएस की ऑफिस को नागपुर से उड़ा ले जाएगी। मैं अपनी तकरीर इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। ना मैं गिरी न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरी न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गई, तकलीफ लोगों का तब हुई मैं पी कर भी जी गई।